दहेज की मांग पूरी न होने पर मायके में छोड़ी पत्नी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएसएन न्यूज, मैं हूं आपके साथ विष्णु राठौर। आपको बता दें, मामला जालौन थाना कैलिया के ग्राम किशनपुरा का है, जहां की निवासी पद्मा निरंजन पुत्री स्वर्गीय अशोक कुमार ने पुलिस अधीक्षक जालौन को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि मेरी शादी में मेरे चाचा जागेश कुमार पुत्र मंगल सिंह निवासी ग्राम किशनपुरा तथा मेरी मां ने सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज देकर 3 वर्ष पूर्व मनीष कुमार पुत्र करण सिंह निवासी ग्राम चमर सेना के साथ की थी शादी, जिसके बाद से ही मेरा पति मनीष, सास माया देवी, ससुर करण सिंह, ननद रश्मि अतिरिक्त दहेज के रूप में 5 लाख रुपए की मांग करते थे और मुझे कई दिनों तक भूखा प्यासा रखते हुए मारपीट करते थे। जब मैं अपने मायके आई तो उपरोक्त बात को अपने मायके पक्ष को बताया तो मेरे चाचा ने ससुराली जनों से बात की और पंचायत भी हुई, लेकिन मेरे ससुर 5 लाख रुपए अतिरिक्त दहेज की मांग करते रहे। उपरोक्त दहेज को लेकर मेरे पति जबरदस्ती दिनांक 10 अप्रैल 2020 को मुझे मेरे चाचा के घर छोड़ते हुए बोले कि जब तक 5 लाख रुपए नहीं लाओगी तब तक मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। पद्मा निरंजन ने एसपी से उपरोक्त लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई है। हम किशनपुर आ गए हैं। पद्मा निरंजन, क्या समस्या है जो पुलिस अधीक्षक को शिकायत पर किया है? ससुराल जन हमें लेने नहीं आ रहे हैं। क्या कहते हैं वो? कहते हैं 5 लाख रुपए अपनी मायके से लेके आओ तभी लेके आएंगे। हाँ, ये तो आपको निकाल दिया के बाद? हाँ, घर से निकाल दिया, मेरे चाचा के मकान पे छोड़ के आए हैं। कितने साल शादी को हो गए और क्या तंग करते हैं आप? मारपीट करते हैं। कितने साल हो गए? 4 साल हो गए, 5 फरवरी को 4 साल हो जाएंगे। तो क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई चाहते मेरे ससुराल जन मुझे लेके जाएं और अच्छे से रखें।